हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अतर खान और आप देख रहे हैं एम इंग्लिश कन्वर्सेशन एंड प्रैक्टिस चैनल। दोस्तों, वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। आज के लेसन में हम सीखेंगे फॉर और सिंस का इस्तेमाल। इस लेसन में हम सीखेंगे कि कहां हमें सिंस लगाना है और कहां हमें फॉर लगाना है। इस बारे में बहुत कन्फ्यूजन है कि कहां सिंस लगाया जाए और कहां फॉर लगाया जाए। चलें आज आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। फॉर और सिंस का इस्तेमाल हमेशा वक्त के साथ होता है, जैसे 2 साल से, कल से, मंडे से, बहुत अरसे से। चलें हम सिंस और फॉर को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन यूके सिंस 2012। आई हैव बीन लिविंग इन यूके फॉर 10 years. I have been living in UK since 2012 का क्या मतलब है? इसका मतलब है point, starting point. तो ये sentence हो जाएगा I have been living in UK since 2012, starting point. और ये जो action है ये अभी भी जारी है, मैं अभी तक यहाँ रह रहा हूँ, इसीलिए यहाँ since इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड सेंटेंस है आई हैव बीन लिविंग इन यूके फॉर 10 years। अब यहाँ क्या बताया गया है? यहाँ बताया गया है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितने साल से? 10 साल से। तो जहां भी ड्यूरेशन आएगा वहां हम फॉर लगाएंगे। आइए कुछ फॉर की कुछ और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स, 5 घंटे से और 5 hours, 6 महीने से फॉर 6 months, 10 सालों से फॉर 10 years। कहीं कहीं हम नंबर इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हम कहते हैं सालों से फॉर years, या बहुत लंबे अरसे से For a long time. चलने इसके एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। I have been teaching for years. मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं। I have been teaching for a long time. मैं बहुत अरसे से पढ़ा रहा हूं। I have been teaching for a while. मैं कुछ अरसे से पढ़ा रहा हूं। तो इसके अंदर आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिलेगा, नंबर नहीं है इसमें लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। चलें अब हम सिंस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको यहां से रिमूव कर देते हैं। चलें अब सिंस को समझ लेते हैं कि सिंस जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल सिंस 2020, सिंस मार्च से 2020 से, सिंस 10 o'clock, 10 बजे से, सिंस फ्राइडे जुम्मे से, सिंस मॉर्निंग सुबह से। चलें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। माय सन हैज बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स सिंस 10 o'clock, या हम कह सकते हैं आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज सिंस 2002। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा।